हेलो हेलो विजय भैया। जी बोलिए जी। हाँ, आपको दवा लिए थे तो वो तो हम 7 दिन जैसे खाए हाँ तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन वो दवाई में अभी गर्मी में थोड़ा बेचैन सी लग रहा है, तो खाएं कि नहीं खाएं? अभी कितना दिन का समस्या था? ये तो लगभग 1-1.5 महीने से, नहीं 1-1.5 महीने का था, 1.5 महीने से चल रहा था आपका समस्या? 1.5 साल मतलब हो रहा था। 1.5 साल से था? हाँ, तो कितना दिन दवा खाया बंद हो गया था? करीब 15-20 दिन खाए तो थोड़ा थोड़ा बंद हो गया, मतलब पूरा अच्छी तरह से बंद नहीं हुआ था? अभी तो पूरा बंद हो गया, अभी मतलब थोड़ा वही पूछ रहे हैं कितना दिन में अच्छी तरह बंद हो गया था जी। 40 दिन, 40 दिन। अच्छा, 40 दिन में मतलब है कि दांत आपका निकलना बंद हो गया अच्छी तरह से, हाँ तो हाँ पूरा पूरी तरह, पूरी तरह। बंद कर दिए थे दवा? अभी अभी थोड़ा चल रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम कर रहा है कि गर्मी बढ़ गया ना, इसीलिए थोड़ा बेचैन सी जैसा लग रहा है, गर्मी थोड़ा शरीर में आ रहा है। तो गर्मी लग रहा है, दांत नहीं निकल रहा है, नहीं, निकल रहा दवा है। खा रहे हैं ना? हाँ, खा रहे हैं, लेकिन तो ऐसे लग रहा है बेचैन सी, दवा खाने से बेचैन सी लग रहा है थोड़ा। सुनिए, दांत नहीं ना इस समय निकल रहा है? नहीं, तो भाई गर्मी उससे नहीं हो रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक ना? वो थोड़ा ठंड प्रकार की दवा आपके शरीर से गर्मी निकालेगी, ठीक ना? हाँ सर। तो हाँ, खाने से अभी थोड़ा दिक्कत जैसा महसूस हो रहा है अभी। क्या लैट्रिन जाना पड़ा है क्या? नहीं, लेटरिंग वेटरिंग नहीं, थोड़ा बेचैन सी लग रहा है खाने के बाद, और दवाई 2 दिन छोड़ दिए तो ठीक लग रहा था। अच्छा, हाँ, तो पहले समस्या ट्राई। बंद है आपका? हाँ समस्या बंद हो गया है? हाँ समस्या तो बंद हो गया, बंद हो इसीलिए गया तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? करीब 60 दिन तक खाए उसको। हाँ तो बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? हाँ, वही पूछ रहे थे हाँ, अभी। नहीं फिर दोबारा नहीं आएगा समस्या, जब बंद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलिए आपको कोई दिक्कत महसूस पड़ा तो बंद कर लीजिए, खैर ऐसा दिक्कत तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं है जो खाते हैं बोलते हैं ऐसा दिक्कत आता है, ठीक ना? ऐसी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा शरीर थोड़ा पहले से ही गरम गरम टाइप का था, मतलब। पहले हाँ, पहले से वो स्टार्टिंग ग्राम टेस्ट का था, तो मतलब। आप गर्मी शरीर की निकल गई है ना? हाँ, अभी वो तो नहीं हो रहा, लेकिन अभी जब शरीर में ताकत आ गया ना, तो इससे थोड़ा बेचैन सी हो रहे थे खाने अच्छा के बाद। अच्छा हाँ, सही बात है। अभी अभी सब ओके हो गया, सब वो तो खा मतलब ये पी रहे हैं तनाव अभी। तनाव टाइम वगैरह सब कुछ बढ़ गया है आपका? हाँ, सब बढ़ गया वो। हाँ, वही थोड़ा एनर्जी मिलता होगा अच्छी तरह से, ठीक ना? हाँ, वैसे लग रहा है जैसे अभी थोड़ा गर्मी का टाइम हो रहा है ना, इसलिए ज्यादा ये लग रहा है। ठंडा के टाइम में तो अच्छा था वो, तो अच्छा, अब नहीं थोड़ा देखिए बहुत। आपका मतलब क्या है कि आपके शरीर में थोड़ा ऊर्जा ज्यादा मिल गई है, ठीक ना? हाँ, बढ़ रहा है। हाँ, खाने पीने से हर चीज में आपको परिवर्तन आ गया है। तो भाई मान के चलिए थोड़ा क्या है कि यदि शादीशुदा आदमी रहता तो अपना संभोग करना कर लेता तो शरीर की गर्मी खत्म हो जाती, ठीक ना? हाँ, वही 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 तो वही बोल रहा इसीलिए थोड़ा हूँ। आपको हाँ, मतलब ऐसा महसूस, आप बेचैन सी सब्जी हो रहा खाइए, है। देखिए हाँ सब्जी वगैरह खाइए, ठीक ना? ठंड हाँ प्रकार की जो भी सब्जी वगैरह होती है ये सब खाइए, सादा खाना, और गरम गरम चीज थोड़ा ना खाइए, ठीक ना? ठीक है, ठीक। वो तो नहीं हाँ खा रहे हैं, वो तो बंद कर दिए हैं, सब्जी अब खा रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फिर समस्या नहीं आपका आएगा, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको? और नहीं है यार, लेकिन वो थोड़ा बहुत बच गया है, तो उसको हम हाँ ठंडा के रख, दिन में खा सकते हैं क्या? हाँ कभी भी खा सकते, कोई जरूरी नहीं है कि मेरी दवा आप ठंडी में खाइए गर्मी में, किसी समय खा सकते, उसमें कोई दिक्कत कोई साइड इफेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? ठीक, तो थोड़ा बहुत बच गया है। आप दिए थे करीब 90 दिन का दिए थे, वैसे। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, ठीक ना? हाँ, सही हो गया, हाँ, जब धन्यवाद। बचा रखे रहिए, अपने इस्तेमाल कभी मन करेगा इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो कोई ऐसा बंदा मिल गया तो दे दीजिएगा, खा लेगा परिवार में या घर में कहीं ऐसा मिल गया, ठीक ना? जो उससे थैंक पैसा यू, होगा पैसा ले लीजिएगा, ठीक ना? ठीक है भैया। हाँ बहुत इसी तरह, परेशान थे, लेकिन ठीक कर दिए, ये आपका धन्यवाद दे रहे हैं। नहीं भाई देखिए मेरी तरफ से कोशिश पूरी की जाती है कि पब्लिक सही हो, ठीक ना? ठीक है, ठीक है हाँ, भैया। कहाँ से हैं? हम उड़ीसा से बोल रहे हैं। अच्छा उड़ीसा, बहुत सारी पब्लिक खा रही है उड़ीसा से दवा। अच्छा बताइए आपका मतलब यूट्यूब पे डिटेल आ रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब।
वो नहीं, जैसे मान के चलिए जो आपसे हम बात कर रहे हैं, जैसे कुछ पब्लिक है कि मतलब ये नहीं, जैसे मान के चलिए आप है बहुत सारी जगह से इलाज कराए होंगे, आपकी समस्या नहीं सही होगी, ठीक है, नहीं सही हुई, उसके बाद मुझसे कॉल किए तो थोड़ा भरोसा नहीं रहता ना कि इनके यहाँ दवा अच्छी मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक ना, थोड़ा दिमाग में ऐसा होता है ना। लेकिन ऐसे कुछ पब्लिक है मतलब समझ में नहीं आता कि सही दवा देते हैं कि नहीं देते, इसलिए बोला मैं मान के चलिए जो मुझसे बात की रियल बात की, मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे डाल दो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो मान के चलिए कुछ पब्लिक जाने की देखेगी कि हाँ इस बंदे का समस्या सही हो गया, इतना दिन में सही हो गया, डेढ़ साल का मान के चलिए समस्या था, तो मान के चलिए आपका 60 दिन में बंद हो गया। हाँ हाँ साहब, करीब 40 दिन में ही बंद हो गया साहब, लेकिन हम 60 दिन तक, आप बोले थे कि 90 दिन तक खाना पड़ेगा, लेकिन 90 दिन तक हम खा नहीं पा रहे हैं, मेरा शरीर में ऊर्जा इतना बढ़ जाए कि मेरा पेशेंट हो जाए। जो भी आपका कमी था सारी कमी पूरा हो गया, ठीक ना, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप शादी वगैरह जो भी अपना करना कर लीजिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, और सब बढ़िया है ना। हाँ सब बढ़िया, और जो भी आपके दोस्त वगैरह कोई भी रहेंगे परिवार में फैमिली में कोई भी ऐसा दिक्कत परेशानी है तो जरूर एक बार संपर्क करिएगा, ठीक है, ठीक है। लेडीज भी चलेगा ना? हाँ लेडीज को भी चलता है, हर लोग को चलता है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ किसी भी प्रकार की समस्या रहेगी तो आप बुकिंग कर सकते हैं, दवा ले सकते हैं, हर समस्या आपकी सही होगी वो भी गारंटी के साथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया।